यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लूबॉर्न अटैक के बारे में। फ्रेंड्स, आपने ब्लूबॉर्न अटैक के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, सुना होगा। दूसरा, मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि ब्लूबॉर्न अटैक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ। तो आज हम जानने वाले हैं ब्लूबॉर्न अटैक के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। हम डीपली और स्टेप बाय स्टेप ब्लूबॉर्न अटैक के बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। इन सब के अलावा इसी क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इस अटैक से कैसे बचा जाए, कैसे हम इस चीज़ को टेस्ट करें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो होप सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं कहने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो लोग अपना फ्यूचर एथिकल हैकिंग में बनाना चाहते हैं, पेन टेस्टिंग के अंदर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चैनल है मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, क्योंकि यहाँ आपको टाइम टू टाइम डेली एथिकल हैकिंग से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मिलती रहती हैं। इन सब के अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी बातें हम टाइम टू टाइम आपको लिए लेकर आते हैं और भी बहुत कुछ है इस चैनल के अंदर। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सीख सकते हैं, इवन काली लिनक्स, विंडोज़, यानी कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे वीडियोज़ हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही हैं, ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। इसके साथ जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, ताकि आपको एथिकल हैकिंग से जुड़ी जो वीडियोस की इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ब्लूबॉर्न अटैक के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लूबॉर्न अटैक है क्या। दोस्तों, ब्लूबॉर्न एक वायरस है, हम इसे वायरस कह सकते हैं, एक कमी वल्नरेबिलिटी है जो कि ज़्यादातर जो भी डिवाइसेस जिनके अंदर ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है उनमें पाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में ये जो वल्नरेबिलिटी है पाई गई है। फर्स्ट सेप्टेम्बर्स को ये जो है वल्नरेबिलिटी है ये रिलीज़ हुई। इस वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम कहें कि ऑलमोस्ट 90% डिवाइसेस जो कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल करती हैं वो इससे वल्नरेबल हैं, तो अगर आपके माइंड में अगर ये बात आ रही है कि सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन ही इसके लिए अफेक्टेड हैं, तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं, चाहे आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप ब्लूटूथ डिवाइसेस में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड जो फ़ोन्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिनमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ब्लूटूथ डिवाइसेज से कनेक्शंस होते हैं। तो ऐसी सारी डिवाइसेज जिनके अंदर ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑलमोस्ट लगभग एक बहुत बड़े अमाउंट में ब्लूबॉर्न वायरस से इफ़ेक्टेड हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है फ्रेंड्स, अगर एक बार इस तरह की वल्नरेबिलिटी अगर आपकी डिवाइस में है, तो इसके लिए किसी भी हैकर को, अगर मैं हैकर्स के हिसाब से सोचूं, तो किसी भी हैकर को आपकी डिवाइस के साथ पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बिना पेयर किए ही इस वल्नरेबिलिटी की मदद से वो आपकी डिवाइस पे पूरा कंट्रोल बना लेता है। जैसा कि आप सब यहाँ से पढ़ सकते हैं, इस वल्नरेबिलिटी को ढूंढने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आर्मिस लैब, एंड आसानी से किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस और दूसरी डिवाइसेस को करप्ट कर सकता है। वंस इट एंटर्स इनटू योर डिवाइस, ब्लूबॉर्न वायरस स्टार्ट परफॉर्मिंग इस एक्टिविटी, इट विल टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर डिवाइसेस दैट इंक्लूड डेटा, नेटवर्क यूजेस एंड मोर। तो दोस्तों, आप इस वल्नरेबिलिटी अगर आपकी डिवाइस में है तो इसका फ़ायदा उठा के हैकर कुछ भी कर सकता है, आपके डेटा को भी चुरा सकता है, आईडी पासवर्ड्स को भी चुरा सकता है, आप अपनी डिवाइस पे क्या कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को भी कैप्चर कर सकता है। तो अब हम जानने वाले हैं ये जो वल्नरेबिलिटी है वास्तव में ये किस तरह की है। दोस्तों, ब्लूबॉर्न जो वल्नरेबिलिटी है ये चार तरह की है। अगर हम बात करें चार तरह की वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। CVE-20170781 ये कोड है इस वल्नरेबिलिटी का, और CVE-2017782 ये जो वल्नरेबिलिटी है इसकी मदद से, इन दोनों वल्नरेबिलिटीज़ की मदद से कोई भी हैकर आपकी डिवाइस पर रिमोट एग्जीक्यूशन कर सकता है। रिमोट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रिमोटली कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोड वो आपकी डिवाइस पे एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन पे वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी हार्मफुल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर वो ऐसा करने में सक्सेस हो जाता है तो आपकी फ़ोन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आपके फ़ोन के अंदर का जो डेटा है, चाहे आपने स्नैप्स ले रखे हैं, फ़ोटोज़ ले रखे हैं या ऐसा कुछ भी कर रखा है, तो उन्हें भी
वो देख सकता है, उन पे अपना कंट्रोल बना के डाउनलोड भी कर सकता है। सेकंड वल्नरेबिलिटी है फ्रेंड्स 2017-785, इसकी हम बात करें तो इस वल्नरेबिलिटी की मदद से, सेकंड जो ब्लूबॉर्न वल्नरेबिलिटी है, कैन लीक डेटा स्टोर्ड विद इन द डिवाइस। तो जो डिवाइस के अंदर डेटा स्टोर है उसे लीक कर सकता है। कई बार आपकी ज़रूरी बातें या मैसेजिंग्स हो सकती हैं, उन्हें भी ये लीक कर देता है। और थर्ड जो वल्नरेबिलिटी है इसका, ये है 783। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों वल्नरेबिलिटी हैं, CVE-2017, 781, 782, 783 एंड 785, इसमें 784 नहीं है। तो 783 की मदद से कोई भी हैकर या अटैकर उसी डिवाइस पर परफॉर्म कर सकता है मैन इन द मिडिल अटैक। और मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैन इन द मिडिल की मदद से जब आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं अपनी डिवाइस पे, तो कोई थर्ड पर्सन आके आपके किए गए वर्क को देख सकता है। पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो मैं पुराने वीडियोस में कर चुका हूँ, बट सिंपली आप समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन मिडिल में आके उस जानकारी को देख सकता है, चाहे आप फोटो खींच रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, इस तरह की जो जानकारी है उसे वो देख सकता है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ ब्लूबॉर्न जो अटैक है या जो वल्नरेबिलिटी है, ये सिर्फ मोबाइल के अंदर नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों में, और किस तरह की है। तो फ्रेंड्स ये था ब्लूबॉर्न वल्नरेबिलिटी के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वल्नरेबिलिटी है ये किस तरह से काम करती है प्रैक्टिकली, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि ये जो वल्नरेबिलिटी है कैसे काम करती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।